एक किताब और है अनवार सैफिया, सैफी लोगों की, वो जो डांस नहीं करते वो, उनकी एक किताब है। एक आदमी ने मुझे पूछा कि ये डांस क्यों करते हैं, मैंने कहा शैतान ने उंगली दे दी है ना इसलिए डांस करते हैं, और बात नहीं है। शैतान इस तर्ज पे लाता है लोगों को, आपको एक मैं गुर सिखा देता हूँ, सारी जिंदगी इसको पल्ले बांध लेना। इमाम इब्ने सीरीन रहिमहुल्ला ने लिखा है तलबीस इबलीस के अंदर, इब्ने जौजी ने यह कौल नकल किया है कि जो आदमी कहे मुझे वजद होता है, वजद में फिर कांपना शुरू कर देता है, फिर ऐसे गिरना शुरू कर देता है, ऐसे सर मारना शुरू कर देता है, कभी कुछ तड़पने लग जाता है, गिरने लग जाता है। इमाम इब्ने सीरीन ने फरमाया कि इसको ऊंची दीवार पर बिठा दो, फिर इसे कहो कि अब वजद कर, तेरे ऊपर जो वजद तारी होता है अगर यहां भी हो और तू गिर के मर जाए, हम तेरे बारे में फैसला करेंगे कि तू सच्चा वजद वाला था। लेकिन मैं दावे से कहता हूं, छोटे सैफी से लेकर बड़े सैफी तक कोई एक बंदा भी आपको नहीं नजर आएगा कि जिसे दीवार पे वजद हो, तजर्बा करके देख ले। तो ये सब ड्रामेबाज और झूठे मक्कार लोग हैं, कोई इनको जो है ना वजद शजद नहीं होता, ये सब ड्रामाबाजी है लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए कि देखो हमारा दिल नहीं हर चीज चालू है। भाई चालू तो ना, जब शैतान ने थपकी दी है तो फिर चालू ना हो भाई, पावर होती है ना। अब देखे बिजली की तार में करंट की बात है, जितना ज्यादा करंट होगा झटका भी तो उतना लगेगा ना, तो शैतान की तो पावर ही बहुत सारी है, हैं? वो तो पूरा एक जनाब इंजन है, उसको जो हाथ लगाएगा तो वो ऐसे ही तो गिरेगा ना। खैर मैं अर्ज ये कर रहा था कि ऐसे वजद वालों को इमाम इब्ने सीरीन रहिमहुल्ला के कौल पे तराजू पे तोल लो बस, कि मियां आपको वजद होता है, उठा के आपको वहां बिठा देते हैं, ठीक। ऐसे वजद वाले लोगों को फुकहा ने लिखा है, बल्कि सूफिया ने लिखा है कि अगर ऐसे लोगों को तलवार भी मार दी जाए तो उनको खबर नहीं होती, तो इनको तो चुटकी थोड़ी सी काट दे तो कहेंगे ओए ओए क्या कर रहा है, वजद के अंदर है।